हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिता किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाफला बाटी की रेसिपी। तो अगर आप बाटी फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप बाटी पहले से बनाते हो पर वो खस्ता नहीं बनती है तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो बाटी बनाने के लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। बाटी बनाने के लिए आपने पहले से आटा पिसवा कर रखा है तो आप इसके जगह वो आटा यूज कीजिए। तो अब हम गेहूं के आटे में 1 कप सूजी डालेंगे। 2 कप आटे के लिए हमें 1 कप सूजी लेना है। सूजी मोटी होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, हल्दी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने जीरा क्रश कर लिया है वो डाल रही हूँ। जीरे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है बाटी में, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून इतना बेसन डाल रही हूँ जिससे नटी टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून इतना मैं दही ले रही हूँ। दही ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 1 नींबू का रस ले सकते हो। साथ ही साथ हमें 1/2 चम्मच इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसमें 1 पिंच इतना हमें डालना है हींग। तो अब हमने बाटी में जो हमें चाहिए था हमने वो सब डाल दिया है। अब उसके साथ में ले रही हूँ मैं घी। घी हमें बड़े 4 चम्मच इतना डालना है। बाटी में घी थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, अगर आप चाहो तो तेल भी यूज कर सकते हो, पर घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं अब इसमें और घी ऐड कर रही हूँ। पूरा हमें 4 टेबलस्पून लेना है बिल्कुल। तो बाटी के आटे के अंदर हमने जो भी चीजें डाली थी वो हमें अच्छे से आटे को मसल मसल कर लगा लेना है, जिससे कि बाटी में फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हो मैं दोनों हाथों से मसल मसल को आटे को लगा ले रही हूँ। घी और दही भी डाला है हमने इसमें। तो इसे 5 मिनट तक मसलने के बाद इस तरह से आटा बन जाता है। तो हमें इस तरह से मुट्ठी कर कर देखना है, अगर मुट्ठी बराबर से बन जाती है तो घी परफेक्ट हो चुका है आटे में। तो मैं अब ले रही हूँ गुनगुना पानी और इससे हमें आटे का एक सख्त डो बना लेना है। बाटी 2 तरीके की बनती है, इसे बाफला बाटी कहते हैं क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे, और एक बाटी और रहती है जिसे हम सिक कर बनाते हैं। तो अब हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है, ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से बाटी हल्की बनेगी और डबल फूलेंगी। तो मैंने सख्त आटा गूंदकर रेडी कर लिया है। इसे हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी तो वो भी फूल जाएंगी। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम पहले पानी को गर्म कर लेते हैं। तो पानी में डाला है नमक मैंने 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून तेल डाला है। तो अब मैं बाटी बना लूंगी। बाटी बनाने के लिए हमें लोई तोड़ना है मुट्ठी इतनी, जितना हमारे मुट्ठी में आटा बैठेगा उतनी बड़ी हमें लोई लेना है। तो लोई तोड़ने से पहले हम आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे और देखिए इस तरह से हमें लोई लेना है। बिल्कुल एक एक मुट्ठी की मैं लोई ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी लोई को तोड़ ली है, अब हम बाटी बनाएंगे। तो बाटी बनाने के लिए हमें इस तरह से प्रेस करते हुए छोटी छोटी रोटी बना लेना है। अब इसके अंदर मैं तेल लगा ले रही हूँ हाथों से और इसे हमें अंदर फोल्ड करना है। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर तक ये बाटी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, अच्छी फूलेंगी और खस्ता बनेगी। तो इस तरह से मैं हाथों से प्रेस करते हुए इसकी बाटी बना रही हूँ। आप देख सकते हो थोड़ा फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी हमेशा की आदत है बाटी बनाने की। तो आटा इस तरह से ऊपर आने के बाद इसे हम ऐसा लगा देंगे। तो देखिए बाटी हमने बना ली है, आपको और एक बाटी मैं बनाकर बताती हूँ। तो देखिए उसी प्रोसेस से हमें बाटी बना लेना है। अब इसके अंदर मैं तेल लगा लूंगी और इसे अंदर मोड़ लूंगी। देखिए इस तरह से एक जगह हमें इसे मोड़ लेना है और इसे ऐसा ऊपर कर लेना है। बीच में थोड़ा सा प्रेस करते जाना है और इसे ऊपर उठा लेना है आटे को, और उस आटे को दोनों उंगलियों से ऊपर से दबा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सभी बाटियों को बनाकर रख लिया है। तो इतने समय में पानी भी बॉईल हो चुका है, अब हम पानी में बाटियों को डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसे स्टीम भी कर सकते हो,
पर वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाता है। बाटी मैंने सभी डाल दी है और आप देख सकते हो ये फूल कर ऊपर आ भी चुकी है। तो देखिए इसकी साइज कितनी डबल हो चुकी है। बाटी फूल कर ऊपर आने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए और पकने छोड़ देना है, क्योंकि ये अंदर तक अच्छी पक जाएंगी। और बाटी पानी में डालने के बाद ये जब ऊपर आना स्टार्ट होती है तब हमें इसे नीचे से हलाना है, क्योंकि ये नीचे चिपक सकती है। तो देखिए बाटी बन चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, जिससे कि बाटी पे का पानी सूख जाएगा। इस बाटी को बॉईल होने के लिए 10 से 12 मिनट मुझे लग चुके हैं। अब बाटी थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है, अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी इजीली बाटी कट हो रही है, बहुत सॉफ्ट बाटी बनकर रेडी है। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है, अगर आप चाहो तो 4 टुकड़ों में भी कट कर सकते हो या इसके स्लाइसेस में भी कट कर सकते हो। तो तेल हमें बिल्कुल गर्म लेना है, अब इसके अंदर मैं बाटी को फ्राई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से हम सब बाटियों को डाल लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बॉईल की हुई बाटी फ्रिज में 2 से 3 दिन बिल्कुल अच्छी रहती है और आप जब मन चाहे तब इसे फ्राई कर खा सकते हो। बाटी को तेल में डालने के बाद इस पे जब थोड़ा सा कलर चढ़ता है तब हमें गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो रखना है, लो यानी मीडियम रखना है, और उसके ऊपर इसे थोड़ा सा फ्राई होने देना है, जिससे कि ये खस्ता बनती है। तो देखिए बाटी मैंने फ्राई कर ली है, तो अब हम बाटी को सर्व कर लेंगे। तो देखिए बाटी कितनी खस्ता बनी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बाटियों को इस तरह से क्रश कर ही खाया जाता है। तो अब हम 2 से 3 बाटियां क्रश कर लेंगे। और बाटियों के साथ मैंने परोसा है, कुछ अचार ले लिया है और कुछ सलाद रखा है। आप इसके साथ बैगन का भरता या गट्टे की सब्जी भी बना सकते हो। तो देखिए अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे। इस दाल की रेसिपी मैं अलग से डाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पर रेसिपी देख सकते हो, क्योंकि बाटी का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। तो अब हम दाल डालकर इसके ऊपर नींबू डालेंगे और बस दाल बाटी खाने के लिए रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।